फ्रेंड्स, कर्नाटका से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने रेजिग्नेशन दे दिया है और उसी के चलते गवर्नर ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है जिसके चलते आप लोगों के साथ इस खबर को शेयर कर रहा हूँ। खबर ये आ रही है कि गवर्नर द्वारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। येदियुरप्पा ने अपने लेटर में डेटेड 26/7/2021 टेंडर्ड इज रेजिग्नेशन टू द ऑफिस of the Chief Minister of Karnataka, hence the following order. Order number GS38, GOB 2021, dated 26 July 2021, in exercise of the powers vested in me under Article 164 of the Constitution of India, I, Thavarchand Gehlot, Governor of Karnataka, hereby accept the resignation of Sri YSBS Yediyurappa as Chief Minister of Karnataka. Consequently, the Council of Ministers headed by him stand dissolved. Ye badi khabar aa rahi hai, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जिसके चलते ये खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी खबर है कर्नाटका से। अब देखना होगा कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन रहेगा, जो कि अब आने वाले दिनों में कर्नाटका की बागडोर संभालेगा। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।